कीजिए, अब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली के एक कप पानी दो, पानी दो, पानी दो, दिल्ली के एक कप करो, शर्म करो, शर्म करो, देखिए दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर लगातार हम हरियाणा सरकार से भी मांग कर रहे थे, हिमाचल से भी मांग कर रहे थे और एडवी साहब से भी कह रहे थे कि वो दिल्ली के पानी को सुनिश्चित करें, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, आदेश के बावजूद भी हरियाणा सरकार जो 137 फीसद पानी हिमाचल से आना था उसको छोड़ने का काम नहीं कर रहा है और उसके अलावा जो 200 क्यूसिक पानी जो अतिरिक्त नहरों से, मुरत नहर जैसी नहरों से आता था उसको भी हरियाणा सरकार ने रोकने का काम किया है। ये लोग दिल्ली के लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं, दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं और आज जिस प्रकार से हरियाणा सरकार राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, उसको लेकर आज हम हरियाणा भवन पे पहुंचे कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पानी हिमाचल से दिया गया है वो पानी दिल्ली तक पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या लगता है कब तक भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा जो दिल्ली का पानी रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है कि आपका जो पानी हिमाचल से आना है उसको रिलीज किया जाए और वो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा। गर्मी में जहां पानी की जरूरत हमें पूरी है और प्लस पूरा जानकारी लेने के बावजूद भी हमारा पानी रोका गया और आज कम से कम भी 20% पानी हरियाणा रोका हुआ है और हम गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से, हरियाणा सरकार से कि आप इस तरह से दिल्ली के हकों का पानी मत रोके और जब तक पानी आप रोकेंगे हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए पूरे देश में हरियाणा के लोगों को वहाँ जाना जाता है कि वो जो हरियाणा जाता है वहाँ पानी पिलाते हैं, लेकिन आज हरियाणा के नेताओं की ये दशा हो गई है कि दिल्ली जो देश की राजधानी और यहाँ पूरे देश के लोग यहाँ के बसते हैं, चाहे बिहार के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज वहाँ पे हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिसने 137 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही, आज सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है, हरियाणा वहां का पानी नहीं आने दे रहा है और दिल्ली का जो अधिकार 2018 में निर्धारित किया गया था 1050 क्यूसेक का, आज उसमें भी कमी कर दिए। तो आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हकों के लिए सड़क पे है और हम ये हरियाणा सरकार से मांग करने आए हैं कि हमारे अधिकार का पानी दे, जो हमारा अधिकार 2018 में हमको दिया गया 1050 क्यूसेक छोड़े, क्योंकि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और आज पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं, आज दिल्ली में पानी सबको चाहिए, सिर्फ दिल्ली वासी नहीं सबको पानी चाहिए। तो हरियाणा से हम मांग करने आए हैं कि हमें इनको पानी दे। ये संग्राम सड़क से लेकर कोर्ट तक चलेगा, अभी हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं और हमारी जल मंत्री आतिशी LG से भी मिलने गई है, तो हम ये संग्राम दिल्ली के लोगों के लिए सड़क से कोर्ट तक चलेगा। दिल्ली में पानी की बहुत राहत आई हो रही है, पानी नहीं है, हरियाणा पानी छोड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पानी छोड़ने के लिए, आप लोग आज सड़कों पे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हरियाणा में बैठी भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का जायज हक रोक के बैठी हुई है, पानी को लेकर तराई तराई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद हरियाणा की सरकार पानी नहीं दे रही दिल्ली के नागरिकों को और इस समय दिल्ली की पूरी जनता त्रस्त है, जनता रोडों के ऊपर है, गलियों में, मोहल्लों में, तमाम एरियों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूं, कनॉट प्लेस में आज सभी जनता यहां पे आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं यहां पे, यहां प्रदर्शन कर रहे हैं सब साथी और हरियाणा सरकार को ये हमारी तरफ से मैसेज है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के हक का पानी दिया जाए। बीजेपी मोदी सरकार, दिल्ली के लोगों का पानी दो, दिल्ली के लोगों का जायज हक दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, आप नहाने की तो बात छोड़ दो, दिल्ली में पानी पीने के लिए भी पानी नहीं है। इलेक्शन के 3 दिन पहले हरियाणा सरकार ने पानी देना बंद कर दिया ताकि दिल्ली में वोट न मिले केजरीवाल जी को, उनको बदनाम करने के लिए पहले पानी नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि दिल्ली के लोगों को पानी देना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी बिल्कुल भी नहीं दे रही है। इस समय पूरे दिल्ली में लोग त्याग मचा रहे हैं
और घरों में पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस तरीके से सोच क्यों रखती है हरियाणा सरकार, दिल्ली वालों को एक तरीके से छोड़ क्यों रखा है? दिल्ली के लोगों को इस समय पानी की जरूरत है। हरियाणा सरकार से हम विनती करते हैं, हम मोदी जी से भी विनती करते हैं कि यह राजनीति करना बंद करो, जो गंदी राजनीति कर रहे हो, और दिल्ली के लोग इस समय पानी के लिए तरस रहे हैं, उन पर रहम करो और दिल्ली की जनता को पानी दो। देखिए इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, ऐसे में पानी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली का जो हक है, दिल्ली के हक का पानी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। खुद मोदी जी दिल्ली में रहते हैं और जो सारे सांसद हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उन सबको पानी कैसे मिलेगा अगर दिल्ली को हक का पानी नहीं मिलेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली का पानी दिल्ली को दिया जाए।